नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से है, जहां 2023 की तैयारी में बीजेपी और संगठन पूरी तरह से जुट गया है। एमपी बीजेपी की कोर कमेटी की आज बड़ी बैठक होने वाली है, तो बीजेपी कोर कमेटी के तमाम नेता बैठक में शामिल होंगे। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे। तो आपको ये भी जानकारी दे दें, निगम मंडलों की नियुक्ति पर फाइनल राउंड की चर्चा हो सकती है, और साथ ही खराब परफॉर्मेंस वाले जिला अध्यक्षों के मामलों पर भी मंथन किया जा सकता है। तो विवादित बयानों पर कोर कमेटी में गाइडलाइन भी तय की जाएगी, और साथ ही संगठन की आगामी कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो सुबह करीब 10 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू होगी। तो समय की बड़ी खबर भोपाल से है, जहां 2023 की तैयारी में बीजेपी और संगठन पूरी तरह से जुटता हुआ नजर आ रहा है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे, और तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, और साथ ही संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जानी है। और करीब सुबह 10 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो जाएगी। तो संगठन के आगामी कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा होगी। कई मंत्री और नेता इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। भोपाल से मेरी सहयोगी अमितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमितांशी, आज बीजेपी की कोर कमेटी की बड़ी बैठक होने वाली है, ये बैठक किन मायनों में अहम है और कौन कौन से मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी इस बैठक में? तो संपर्क नहीं हो पाया है, पूरी कोशिश की जा रही है। तो भोपाल से बड़ी खबर है, जहां 2023 की तैयारी में बीजेपी और संगठन पूरी तरह से जुट चुका है। एमपी बीजेपी की कोर कमेटी की आज बड़ी बैठक होने वाली है, और बीजेपी के कोर कमेटी के तमाम नेता इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे, और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, और करीब 10 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। तो ये बड़ी खबर है, जहां तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, साथ ही विवादित बयानों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। मेरी सहयोगी दोबारा से हमारे साथ जुड़ गई है। अमितांशी, आज कोर कमेटी की ये बड़ी बैठक होने वाली है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी इस बैठक में? देखिए, बीजेपी फिलहाल 2023 की तैयारी में पूरी तरीके से जुटी हुई है और कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि 2023 में बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। इसको लेकर पार्टी की कोर कमेटी की आज बैठक होने वाली है। करीब सवा महीने बाद इस बैठक को बुलाया गया है। देखिए, तमाम बड़े नेता, चाहे हम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, वो भोपाल पहुँच चुके हैं और आज सुबह 10 बजे से ही बैठक शुरू होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। देखिए, आगामी संगठन के कामों को लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन फिलहाल हमने नगर निगम चुनावों में देखा था, कहीं ना कहीं कुछ जिलों में बीजेपी पिछड़ गई थी, क्योंकि पिछली बार 16 के 16 नगर निगम बीजेपी के पास थे, लेकिन इस बार बीजेपी से 7 नगर निगम छिन गए हैं। तो क्या कुछ वजह रही है, और इन जिलाध्यक्षों पर जो है वो गाज भी गिर सकती है, जहाँ पर भी जिलाध्यक्षों ने ठीक से परफॉर्म नहीं किया है, उनकी रिपोर्ट संगठन के पास डायरेक्टली केंद्र तक पहुँची है, और इसके बाद क्या कुछ उन पर कार्रवाई हो सकती है, ये देखना फिलहाल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। निगम मंडल की नियुक्ति एक सबसे बड़ा ये जो विषय है, निगम मंडल की नियुक्ति अब सिर्फ एक साल रह गया है, जब सरकार जो है पूरे पावर में रहेगी और उसके बाद चुनाव आ जाएंगी, इस दौरान निगम मंडल की नियुक्ति करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि अगर निगम मंडल की नियुक्तियाँ ना हुई तो बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनावों में नुकसान हो सकता है। इसको लेकर एक बड़ी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। जिस तरीके से 2023 के चुनाव के लिए रणनीतियाँ बननी शुरू होंगी, दीपावली का वक्त खत्म हो चुका है, त्यौहार का वक्त हो चुका है, और पूरे एक्टिव पावरफुल मोड में बीजेपी आ चुकी है, तो संगठन के कामकाज भी इस हिसाब से तय होंगे। देखिए, अब जैसे जैसे आगे समय आता रहेगा,
अमित शाह और पीएम मोदी के दौरे लगातार बढ़ते जाएंगे, चाहे हम ओंकारेश्वर की बात करें या फिर सभाओं की बात करें। जिस तरीके से दौरे बढ़ने वाले हैं, संगठन के कामकाज भी अब बढ़ने वाले हैं और उसी हिसाब से आगामी सारे कार्यक्रम तय होने वाले हैं। और अब एक नई रणनीति के साथ जिलों की खासकर हम बात करें, बीजेपी उतरने वाली है, कोर कमेटी की बैठक तो होगी ही, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से बूथ बूथ जोड़कर मजबूत करना है, वोट शेयर पर सबसे बड़ा फोकस यहाँ पर बीजेपी रखने वाली है, तो वोट शेयर को किस तरीके से जल्द बढ़ाया जाए, इसमें पार्टी के संगठन के नेताओं से टिप्स लिए जाएंगे और आगे कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे और तय किया जाएगा कि क्या कुछ कार्यक्रमों के साथ जो है बीजेपी 23 के चुनाव के लिए एक्टिव पावरफुल मोड में आएगी। जी बैठक में रणनीति बनाने पर भी चर्चा की जाएगी। मितांशी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मिशन निवेश पर सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, फिर निवेशकों से मुलाकात कर दौरा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, तो निवेश का न्योता लेकर देश के बड़े बड़े शहरों में जाएंगे सीएम। तो 10 नवंबर को मुंबई जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, तो वहां उद्योगपतियों से मुलाकात कर निवेश को लेकर चर्चा की जाएगी। तो मुलाकात के दौरान इन्वेस्टर्स समिट के लिए न्योता देंगे और बैठक में देश और विदेश के बड़े निवेशक शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो वहीं मुंबई दौरे को लेकर सुबह 9:30 बजे समीक्षा बैठक भी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है इस समय भोपाल से, जहां मिशन निवेश पर सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, फिर निवेशकों से मुलाकात कर दौरा करेंगे और बड़े बड़े शहरों का दौरा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुंबई दौरे को लेकर 9:30 बजे समीक्षा बैठक की जाएगी। मेरे सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मितांशी, इन्वेस्टर्स समिट के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद निवेशकों से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और उसका कितना बड़ा फायदा होने वाला है? देखिए, जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश को सीएम शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आए। जितना ज्यादा निवेश आएगा उतने ज्यादा क्लस्टर्स बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे और काफी ज्यादा संभावनाएं इसको लेकर युवाओं को मिलेंगी। तो इसी के कारण जो है सीएम शिवराज बड़े शहरों के दौरे कर रहे हैं, उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाया जा सके, इसको लेकर तो चर्चा होती ही है, लेकिन इन्वेस्टर समिट जो कि इंदौर में होने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के शामिल होने की संभावना है, बड़े स्तर पर लेकर जाना है और ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति पूरे देश भर से यहाँ पर जुटे, इसको लेकर सीएम शिवराज एक बड़ी कवायद जो है वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में वो मुंबई 10 नवंबर को जाने वाले हैं। मुंबई वो पहुंचेंगे, उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और उसी के लेकर आप जो है समीक्षा बैठक सीएम शिवराज करेंगे। देखिए, पूरी प्रेजेंटेशन मध्य प्रदेश से जाती है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश एक हब है क्लस्टर्स के लिए, निवेश के, और उस प्रेजेंटेशन को वहां पर दिखाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा निवेश कैसे बढ़े उस पर निवेशकों का ध्यान खींचा जाता है। न्योता लेकर तो सीएम शिवराज 10 नवंबर को मुंबई जा ही रहे हैं, लेकिन कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेश बढ़े इसको लेकर एक खास फोकस रहेगा। रोजगार की संभावना बढ़ाने को लेकर एक बड़ा फोकस यहाँ पर सीएम शिवराज कर रहे हैं। पीतमपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार क्लस्टर्स को बढ़ाने की संभावनाएं चल रही है। पीतमपुर के साथ साथ बात करें भोपाल और इंदौर में भी औद्योगिक क्लस्टर्स को जो है स्थापित करने के पूरे यहाँ पर मिशन के साथ सीएम शिवराज जो है लगातार जुटे हुए हैं। मुंबई वो जाएंगे 10 नवंबर को, आगामी समय में हैदराबाद का भी होने वाला है। उद्योगपतियों के साथ लगातार मुलाकात कर मध्य प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा चमकाने की ओर और निवेश बढ़ाने की ओर लगातार फोकस है। अभी देखना होगा कि कितने निवेश फिलहाल मध्य प्रदेश में आता है और युवाओं के लिए खासकर कितनी बड़ी संभावनाएं इन निवेशों से खुलती हैं। जी बिल्कुल, निवेशकों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से फोकस इस टाइम नजर आ रहे हैं। मितांशी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी। एक और बड़ी खबर भोपाल से है जहां भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में कमलनाथ पूरी तरह से लगे हुए हैं। इंदौर में यात्रा के रूट का कमलनाथ जायजा लेते हुए नजर आएंगे, तो यात्रा को लेकर मीटिंग भी करेंगे कमलनाथ। तो खालसा कॉलेज में गुरु नानक जयंती कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे और साथ ही यात्रा की सफलता को लेकर खजराना गणेश मंदिर में दर्शन भी करेंगे कमलनाथ। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है जहां भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में कमलनाथ पूरी तरह से जुटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंदौर में यात्रा के रूट का कमलनाथ जायजा लेते हुए नजर आएंगे और साथ ही यात्रा को लेकर मीटिंग भी करेंगे कमलनाथ, और साथ ही यात्रा की सफलता को लेकर खजराना गणेश मंदिर के दर्शन भी करेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें,
जबकि खालसा कॉलेज में गुरु नानक जयंती के कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए कमलनाथ नजर आने वाले हैं। मेरे सहयोगी अमृतांशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी, भारत जोड़ो यात्रा में किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए, जिसके चलते कमलनाथ जो हैं पूरी तैयारी कर रहे हैं, लगातार जुट रहे हैं और इसके मद्देनजर आज इंदौर में जाएंगे और रूट का जायजा लेंगे। देखिए, कमलनाथ खुद पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं और निर्विघ्न ये भारत जोड़ो यात्रा पूरी मध्य प्रदेश में रहे, इसको लेकर आज कमलनाथ का धार्मिक रूप भी देखने को मिलेगा, जहां पर वो गुरु नानक जयंती के प्रकाश पर्व कार्यक्रम में खालसा कॉलेज में शामिल होंगे। उसके बाद वो खजराना गणेश मंदिर भी जाने वाले हैं, वहाँ दर्शन करेंगे और सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा निर्विघ्न मध्य प्रदेश में निकाली जाए। देखिए, व्यापक तैयारियां मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की चल रही हैं। सुबह 10 बजे कमलनाथ इंदौर पहुंचेंगे और तमाम बड़ी बैठकों में शामिल होने वाले हैं। इंदौर के बीच से भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरा रूट है वो निकाला गया है। खालसा कॉलेज में जो है राहुल गांधी स्टे करने वाले हैं, रात में वो वहां पर विश्राम करेंगे। तो क्या कुछ तैयारियां रहेंगी इंदौर शहर में, क्योंकि देखिए इंदौर शहर में वो जनप्रतिनिधियों के साथ साथ मीडिया से भी चर्चा कर सकते हैं और राहुल गांधी फिलहाल बहुत ऐसी कम जगह है जहां पर उन्होंने स्टॉपेज लिया है या फिर सभा की है। उज्जैन में एक बड़ी सभा होने वाली है, उसकी तैयारियों को लेकर यहां पर कमलनाथ जो है खुद रूट की रेकी करेंगे। इंदौर में रूट की रेकी के साथ तमाम बैठकों में शामिल होंगे। अलग अलग जगहों से जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग जगहों से जो प्रभारी हैं यात्रा के, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं बैठक में। और बैठक में ये तय किया जाएगा, क्योंकि देखिए अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, मुश्किल से 10 से 12 दिन बाकी रह गए हैं जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर में एंटर करेगी। तो आखिरी वक्त की जो तैयारियां हैं, प्रभारियों से लगातार रिपोर्ट ली जा रही, क्योंकि पहले ही कार्य व्यवस्था का जो आवंटन है वो कमलनाथ कर चुके हैं। इंदौर में अलग लोगों को यात्रा का प्रभार दिया गया है, खंडवा बुरहानपुर में अलग प्रभार दिया गया है। तो इसी लेकर खुद रूप के रैकी तो करेंगे ही, धार्मिक रूप से भी सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन क्या कुछ खास अब अंतिम दौर की तैयारियां भारत जोड़ो की रह गई हैं वो खुद कमलनाथ मॉनिटर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी लापरवाही ना बरते, बिना किसी जो है परेशानी की यात्रा पूरी सफल हो जाए, और इसलिए खुद कमलनाथ रूट की रेकी पर निकले हुए हैं। आगामी दौर में वो बुरहानपुर भी जाने वाले हैं, कई और जगह पर वो रूट की रेकी करेंगे, लेकिन अब पूरी तरीके से खुद मॉनिटर करके कमलनाथ तैयारियों में यहाँ पर जुट चुके हैं। तमाम बड़े नेता सुरेश पचौरी, सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी आज इंदौर पहुँचने वाले हैं और भारत जोड़ो यात्रा की बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो ये देखना होगा कि कितनी खास भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत खास तैयारियां रहने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस का भी ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो बेंगलुरु कोर्ट ने हैंडल ब्लॉक करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया है। तो म्यूजिक कॉपीराइट उल्लंघन मामले में आदेश दिया गया है। तो एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं, और साथ ही कांग्रेस का भी ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के आदेश कोर्ट की ओर से दिए गए। खबर भोपाल से है, जहां आधी आबादी को साधने की तैयारी में है कांग्रेस। एमपी दौरे पर महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा रहने वाली हैं। पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों से वो चर्चा करेंगी और साथ ही बैठक की जाएगी। तो महिला कार्यकर्ताओं को साधने को लेकर रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। तो भारत जोड़ो यात्रा की समीक्षा भी करेंगी नेता डिसूजा। तो महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी, बैठक में अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो भारत जोड़ो यात्रा की समीक्षा भी करेंगी नेता डिसूजा। तो ये बड़ी खबर है, जहां आधी आबादी को साधने की तैयारी में कांग्रेस लगातार दिखाई दे रही है। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जो एमपी में फिर प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं, 15 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। इलिया राजा इंदौर कलेक्टर बने, तो अरुण कुमार परमार सिंगरौली कलेक्टर बनाए गए हैं, अंकिता अस्थाना मुरैना की कलेक्टर बनाई गई हैं। तो 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर भारत में मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था। अब ऐसे में मुस्लिमों के भारत में रहने का कोई
औचित्य नहीं है। यही नहीं, शंकराचार्य का कहना है कि अब एक समिति का भी गठन किया जाए जो हिंदू विरोधी फिल्मों पर नजर रखेगी। भाई में होता है वैसे ही बंटवारा हुआ, हिंदू मुसलमान दोनों भाई माने गए बड़े छोटे, और दोनों में बंटवारा हो गया कि आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो, जिसकी जितना अनुपात है। अनुपात में हम लोग बट गए तो स्वाभाविक था कि हिंदुओं को यहाँ रह जाना था और जो पाकिस्तान नया देश हमारे ही टुकड़े को काट करके बना था वहाँ मुसलमानों को चला जाना था। तो सवाल ये है कि जब इस आधार पर ही ये बंटवारा हुआ था तो मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। आपने बंटवारा करके टुकड़ा भी ले लिया धर्म के नाम पर और आप यहीं पर बने हुए हैं। भाई देखिए, पंडित की बात तो दूर हो गई, अब तो कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो। टाइम 5-7 केस तो अभी देख लिए हम लोगों ने कि पूछते हैं कि हिंदू हो, जैसे खालिस्तान के समय में हुआ था। जब खालिस्तान का आंदोलन चल रहा था हम लोग छोटे थे तो उस समय हम लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा था, उस समय टेलीविज़न इतना नहीं था, कि उसमें ये होता था कि बस जा रही है और जो खालिस्तान समर्थक लोग थे वो रोकते थे और रोक करके बस में चढ़ जाते थे और पूछते थे हिंदू हो, कहता था हिंदू हूँ तो तलवार घोंप देते थे। ऐसे वाकये उस समय हो रहे थे, अब ऐसा ही यहाँ हो रहा है, तो इस पर तो ध्यान देने की आवश्यकता है ही। वो समिति अपना पूरा स्वरूप लेकर के अभी सामने आने वाली है, उसका मूल यही है कि हम एक विभाग रखेंगे जिसमें जितने भी चलचित्र बन रहे हैं और जितने भी धारावाहिक टेलीविज़न आदि पर दिखाए जा रहे हैं उनको हमारे विशेषज्ञ देखेंगे, और जहाँ पर भी आपत्तिजनक कोई बात होगी उसको बाकायदा लिख करके और प्रमाण के साथ वो सार्वजनिक करेंगे कि ये बात हमारे शास्त्रों के, हमारी मान्यताओं के, हमारी परंपराओं के विपरीत इसमें दिखाई जा रही है, और आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों से अपील करेंगे कि इस चित्र को ना दें। तो एक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान सामने आया है, शंकराचार्य के बयान का उन्होंने स्वागत किया और कहा कि सरकार संत समाज की बातों को गंभीरता से लेती है। शंकराचार्य ने मुस्लिमों को पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी थी। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने शंकराचार्य के बयान का स्वागत किया है और साथ ही बयान दिया। धर्माचार्यों की बातों को समाज और सरकार सभी गंभीरता से लेती हैं। जो सरकार अभी है उन्हें राय दी है, मैं उस राय का अभिनंदन करता हूं। और चूंकि जबलपुर में कल शोभा यात्रा थी और मैं उसमें उपस्थित नहीं हो सका था तो प्रणाम करने के लिए मैं आया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जितने भी कथन होते हैं उसमें कटुता नहीं होती है, सच्चाई है और हम सबको शांतिपूर्वक अपने प्रयासों में लगे रहना चाहिए। खबर श्योपुर से है जहां कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल बीजेपी नेताओं से खुद की जान को खतरा बता रहे हैं और कहा है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। यही नहीं, जंडेल का कहना है कि इसके लिए गोपनीय मीटिंग भी हो चुकी है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जंडेल का ऐसे नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए जो उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। ये मुझे पता चल रहा है कि बीजेपी का नेता कर रहे हैं और मेरा मर्डर कराने के लिए ये कुछ 2-5 लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं कि बाबू जंडेल की हत्या ही जरूरी है, जनता उसके साथ लग चुकी है। अगर ये ऊपर वालों ने मेरी अगर लिखा होगा तो हत्या हो सकती है, पर मैंने पता चला कि इसमें एक मीटिंग हुई कल रात भी, उसमें 10-12 लोग थे, उसमें 1-2 नेता हमारे भी थे और वो मीटिंग कर रहे हैं, हत्या कराने का ही प्रयास कर रहे हैं। अगर मेरी हत्या हुई तो इसका दोषी बीजेपी के नेता होंगे। अब कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल जी विपक्ष की भूमिका में है तो कुछ तो कहेंगे। कौन लोग ऐसे हैं जो उनकी हत्या करना चाहते हैं? विधायक जी को उनका नाम लेना चाहिए और उनको लगता है कि वो हत्या कराना चाहते हैं तो नाम दर्ज पुलिस में उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करना चाहिए कि ये व्यक्ति है जो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। केवल सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार किसी का भी नाम लेना ये ठीक नहीं है। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। चलिए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर विदिशा से है जहां नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। तो घर के पास रहने वाले युवक पर हत्या का आरोप लगाया गया, पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है।
तो बंटी नगर साई धाम कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। तो बंटी नगर साई धाम कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर विदिशा से है, जहां नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, हालांकि पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। काजल राजपूत की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, इस पर से हमने मर्ग कायम करके जांच में ले लिया है और अभी पोस्टमार्टम उनका करा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शॉर्ट पीएम के लिए डॉक्टर साहब से बात हुई है, संभवतः आज वो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगी और उस आधार पर देखते हैं कि कौन कौन से तत्व उसमें आ रहे हैं और तेजी कार्रवाई की जाएगी। खबर ग्वालियर से है, जहां अज्ञात चोर ने ग्वालियर में एक मोबाइल शॉप को निशाना बनाया है। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक लड़का मोबाइल शॉप के अंदर मोबाइल उठाता देखा जा सकता है। और मोबाइल शॉप संचालक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। तो मोबाइल शॉप को निशाना बनाया गया, तो देखिए किस तरह से मोबाइल शॉप के अंदर एक युवक एंट्री करता है और उसके बाद मोबाइल की चोरी की घटना को अंजाम देता है। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और अब आरोपी को ढूंढा जा रहा है। खबर ग्वालियर से है, जहां 3,000 रुपए के लिए हलवाई की दुकान में हंगामा देखा गया है, मारपीट जमकर देखी गई है। तो बदमाशों ने दुकान मालिक के साथ मारपीट की और मुरार के गंगामाई स्तर में लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। तो 3 लोगों ने हलवाई मोहित गुप्ता को पीट दिया, तो मावे की बकाया राशि को लेकर यह पूरा जो मामला है, मारपीट है, वो सामने आई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में दुकान संचालक के साथ मारपीट करते आरोपी भी नजर आ रहे हैं। तो मुरार थाना जो पुलिस है वो लगातार मामले की जांच कर रही है। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से यहां पर पूरा मारपीट का मामला सामने आया है। तो पैसे के लेन देन को यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।